तो कोई नहीं मान सकता कि सुशील आनंद शुक्ला शराब पीता है, और मैं इस चीज को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं पिया है। तो मेरे ऊपर यह आरोप जो लगाया गया कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, मैं आप सबके सामने इसका खंडन करता हूं। उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को ताक पे रख के वे जाए भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी छोटी बहन के समान थी, लेकिन उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाजा ठोका था। जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी, मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था, उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम। इधर राधिका खेड़ा के आरोप जो सामने आए, इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राधिका खेड़ा ने सब कुछ जानबूझकर एक प्री प्लान के तहत किया है। वो बीजेपी की भाषा बोलने लगी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया और उसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए नया रंग दे दिया गया। दीपक बैज ने कहा कि राधिका खेड़ा बीजेपी में जाने के लिए ये सारा बखेड़ा खड़ा किया। सुनते नहीं सुनते, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए उनको, इंतजार तो किए नहीं। पार्टी ने संज्ञान लिया, हमारे खड़के जी ने संज्ञान लिया, एआईसीसी ने संज्ञान लिया, जांच हुई, जांच रिपोर्ट बनाकर भेज दिए, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है जल्दबाजी करनी, और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। कांग्रेस भवन में महिलाएं सुरक्षित, आप देखिए नीचे वार रूम में महिलाएं आज भी काम कर रहे हैं, 7-8, 8-8, 9 बजे रात तक काम कर रही हैं, घर परिवार छोड़कर। इसलिए कहीं भी कोई ऐसा स्थिति नहीं है, ये जानबूझकर एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जानबूझकर ये प्री प्लानिंग के तहत इस तरह के आरोप। और राधिका खेड़ा के विवाद में बीजेपी के नेता भी अब कूद पड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए। महसूस कर रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है, और मैं कहना चाहूंगा कि जो अंदर की उनकी स्थिति है वो पूरी तरीके से उजागर होती चली जा रही है। तो क्यों हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, और ये लंबे समय से घटित हो रहा है। मैं याद दिला दूं, सीक्वेंस वहां से शुरू होता है, आप लोग में से बहुत से लोगों के दिमाग से विस्मृत हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कोलिको पुल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने अपने बयान में लिखा था कि 2 साल तक उनको मिलने का समय नहीं दिया गया, और वहां से फिर एक लंबा सीक्वेंस आज राधिका खेड़ा तक आता है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब कांग्रेस वालों से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपके यहां ऐसा क्यों हो रहा है। और राधिका खेड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसका हम स्वागत करते हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है। राधिका खेड़ा का अपमान सिर्फ उन्हीं का अपमान नहीं, इससे छत्तीसगढ़ का सिर भी शर्म से झुक गया है। राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है, जो राष्ट्र को प्रेम करता है, इसे हर व्यक्ति का बीजेपी में स्वागत है। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की, और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं।